So we're here to launch Cash's first directorial venture and Krishna's first production venture. I hope Chhatte Kaad De matlab jaise thando ki baat ho rahi hai aaj, that will be a film in Chhatte Kaad De. Ahmed, my mentor, choreographer. Thank you, Cash, for having him. I really get to see him. He's one of the best technicians I've worked with because he trained me for my first film and he choreographed songs for my first film. So, yeah. And also kind of directed people. Yes. Please, Emma. Well, we are here for Cash's first directorial debut. Cash, first of all, brave. I say that Cash is the actual Nari Shakti. Because बहुत struggle किया है Cash ने and हर वक्त गिरी है उतनी ज़्यादा ऊपर उठी है. So please a big hand for this movie. And genuinely मुझे ना कृष्णा ने फ़ोन किया ना कैश ने. सच बोलो तुम दोनों ने फ़ोन नहीं किया ना. हाँ दोनों ने फोन वाया वाया मेरी वाइफ ने बोला गेट आउट ऑफ द हाउस यू हैव टू गो. सो दे हैवंट कॉल्ड मी. नाउ दे आर टेलिंग मी वेलकम. सो दैट्स व्हाट. सो आई एम हियर फॉर बोथ ऑफ देम. कृष्णा इज अ वेरी स्वीट गाय. इज फनी एंड एट द सेम टाइम बहुत इमोशनल है. आप नहीं जानते इनको बट मैं जानता हूँ. And that's why we are here. And let's pray and hope the best. Ki ye film bhi itni chale inshallah that chande ka. और हाँ मेरी बारी ना भी. सो सबसे पहले कश्मीरा और कृष्णा को बहुत बहुत मुबारकबाद. ढेर सारी शुभकामनाएं. और कश्मीरा ने ये फिल्म डायरेक्ट की है. कृष्णा प्रोड्यूस. एट द सेम टाइम मैं भी प्रोड्यूसर हूँ क्योंकि आखिरकार पैसा तो शो से ही आ रहा है. पता नहीं था कृष्णा ने मजाक मजाक में इतना पैसा जोड़ लिया है. पर वही मैं हमेशा एक बात कहता हूँ जब भी कोई आर्टिस्ट प्रोड्यूसर बनता है तो उसने वो प्रोड्यूसर वाली क्वालिटीज बहुत कम होती है क्योंकि दिल से काम करते हैं. तो इन दोनों ने मिलकर दिल से फिल्म बनाई है और दिल से हमारी दुआ है कश्मीरा कृष्णा आप दोनों के लिए कि ये फिल्म जो है लोग बहुत पसंद करें और आप फिर उसके बाद छड़ी लगा दें फिल्में बनाते रहें. थैंक यू सो मच. थैंक यू भाई. थैंक यू. हमारा आई थिंक बेस्ट कॉम्बिनेशन है क्योंकि मैं इनसे लड़की बनना सीखाऊँ या मुझसे मर्द बनना सीखा. So without further ado, हम लोग देखते हैं ये मजेदार ट्रेलर. Please. कॉमेडी के साथ साथ बहुत सीरियस एक्टर भी हैं और बड़े वर्सेटाइल हैं, बड़े अच्छे डांसर हैं. So मुझे बहुत मजा आया ट्रेलर देख के और मेरी शुभकामनाएं हैं. और मैं और कृष्णा के लिए क्या कहूँ, पूरी दुनिया कह रही है अगर अच्छा नहीं होता तो हमारे शो में होता क्या. Love you, Krishna. Thank you so much. Trisha, would you like to say something for Krishna and Kashmira? And of course, Rishabh as well. I think sab manenge ki bahut hi commercial trailer tha jo hamari filmi lingo mein kaha jata hai, full of energy and humor. Aur Krishna ka jo ek jo log chahte hain Krishna se, you know, that's all there. Aapke saath hum pe, right? Isme that's why chahiye ki mujhe aap Ravan se khudi lagte hain. Sweet and emotional to matlab kahan se nikla sweet and emotional yaar. But anyways, we like you because you that naughtiness comes through on screen. Thank you. Thank you so much. Of course, there's a lot of talent. All the best to you too. But I think the USP at this point on the at the level of the trainer is going to be. Thank you. I kahunga because to direct a movie, na you have to put a lot of things together. Bahut saari cheez cement ke screenplay, story, direction, and production, and sabke hassles, problems, dekh ke. फिर सेट भी हमको मेक एवरीबॉडी फील दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल. एंड कैश का एक पहला प्रोजेक्ट है डायरेक्टर और मैंने काफ़ी डायरेक्ट किया हूँ तो मैं जानता हूँ कि इश्यूज कितने होते हैं. बट फॉरगेट अबाउट इशू एज डायरेक्टर हम गंदी हाल में डायरेक्ट कर सकते हैं बट शी इज इविन एक्टिंग तो उसमें इट्स अ डबल डबल जॉब. सो वंस अगेन प्लीज अ बिग हैंड फॉर कैश. बाल भी देखने हैं, मेकअप भी देखना है, शॉर्ट भी देखना है, ओके भी बोलना है, साथ कृष्णा को संभालना है. नहीं मैं सर कहना चाहूँगा एक चीज़ के जनरली मुझे जब कश्मीरा ने सब्जेक्ट नरेट किया था तो प्रोड्यूसर ऐसे नहीं पैसे लगा देता सर. कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है तो बहुत ही कन्विक्शन के साथ इन्होंने मुझे धमकी दी थी कि ये पैसा लगाना पड़ेगा. नहीं नहीं मजाक लेकिन ऋषभ के लिए एक बार जोरदार ताली. इज डन वंडरफुल जॉब इन द फिल्म. ऋषभ ने बहुत बढ़िया काम किया. मैंने इसने कुछ रशेस पहले छोटे मोटे वो छोटे कैमरे से ही वो रफ शूट करते हैं
तो थोड़ा बहुत शूट करके दिखाया था, बट जेन्युइनली दोनों ने भी बहुत मेहनत की और बहुत बढ़िया काम किया। होपफुली हमारी एक छोटी सी पिक्चर है और आप लोगों को एंटरटेन करेगी, बस मैं कहना चाहूंगा। एंड लास्टली मैं कश्मीरा से पूछना चाहूंगी, एज अ डायरेक्टर दिस इज योर डेब्यू, लाइक हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, स्पेशली व्हेन यू हैव टू डायरेक्ट योर हस्बैंड? उसका एक्सपीरियंस है मुझे, लेकिन लेकिन मेरे दो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। मुझे पता चला कि ह्यूमैनिटी मरी नहीं, जिंदा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प किया और मेरी टीम जो मेरे साथ खड़ी रहे, लॉरी सर, नीलाब कौल सर, सुमित सैलेश, एवरीबडी, सब ने पांच पांच लोगों का काम किया। सो दैट्स द पॉजिटिव थिंग। कृष्णा आइगन मेकअप रूम में बैठा था और हम लोग उसका वेट कर रहे थे और मैंने कहा चल चल, बोलते चेक नहीं आया। उन्होंने सारे तू ही प्रोड्यूसर है, चेक कैसे नहीं आया? दैट्स द अदर एक्सपीरियंस, यू नो, बट वी हैड अ लॉट ऑफ फन। अच्छी बात यह है कि दे लिसन्ड टू मी, घर पे बिल्कुल नहीं सुनते लेकिन यहाँ पे उन्होंने सुना, थैंक गॉड, एंड इट रियली वर्क्ड आउट। सो थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इट वाज जोरदार, तालियां हो जाए फॉर द वंडरफुल डांस। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर कमिंग। पीछे बैठा हुआ है बोली जी, वंकोश, भरत जी, एवरीबॉडी, सब सब जितने दोस्त हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने कृष्णा, कश्मीरा और ऋषभ को बहुत प्यार दिया है, तो इस मूवी को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा और ब्लेसिंग्स दीजिएगा, बिकॉज दे डेफिनेटली नीड इट। बिल्कुल, और अभी पीछे आप लोग जा सकते हैं, आराम से खाना खा सकते हैं। थैंक यू खाना भी है, खाना। अच्छा मैं जाते जाते एक बात बताना चाहता हूँ, कृष्णा इतना चालू है, बोलता था मेरे को ना कश्मीरा तंग बड़ा करती है, तो मैं इसलिए जेब से पैसे खर्च करके उसको बिजी कर रहा हूँ। अच्छा वो आगे इतनी चलाक, उसने इसको भी ले लिया। अच्छा मैं मीडिया से पूछना चाहूंगी, आपसे मेरा एक डायलॉग फेमस हुआ है, 1 करोड़ देना मेरे पे। आई वुड लाइक टू आस्क मीडिया इफ एनी क्वेश्चंस। नहीं वो अलग पूछ लीजिए। ओके वंस अगेन थैंक यू सो मच, सो हैप्पी टू बी बैक हियर एंड थैंक यू बिकॉज़ ऑफ कैश आई एम हियर टुडे। कंग्रेचुलेशन टू कैश एंड कृष्णा फॉर मरने भी दो यारो, दे आर लाइक माई फैमिली। और ये कैश ने डायरेक्शन किया इसमें एंड आई सीन कपल ऑफ थिंग्स, इट इज अमेजिंग। मतलब कैश, दीप्शी एंड मी आर द थ्री मस्केटियर्स, थ्री मस्केटियर्स BFF। सो आई कांट से एनीथिंग, मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ हर एंड कंग्रेचुलेट टू एंटायर टीम मरने भी दो यारो। एंड ऑफकोर्स कृष्णा होता है तो कॉमेडी तो साथ में जाती है, सो आई एम श्योर पीपल गोइंग टू लाइक दिस एंड आई एम वेटिंग टू वॉच दिस फिल्म, बिकॉज दो बार मैं ट्रायल मिस कर चुकी हूँ, दिस बार मैं नहीं करना चाहती। थैंक यू। First of all, a big congratulations to my dear, fantastic, super fantastic friend Kashmira and her husband. They have done a fabulous job. I've seen the film. I'm very excited about it. It's so encouraging to know that when people strike out to realize their dreams, it's such an amazing thing that it's finally come to reality and we'll finally get to see it on screen. So here's wishing Kashmira and Krishna the very best. Thank you. By the way, मैंने इसमें एक बड़ा important character किया है और ये कश्मीरा की सबसे बड़ी मेहनत का नतीजा है जो आज ये हम दिन देख रहे हैं। और मैं ये बताऊंगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी की इनिशियल फिल्मों में से, विच वॉज इन 1982, आई डिड जाने भी दो यारों, और अब आफ्टर अबाउट 37 ईयर्स आई एम डूइंग दिस फिल्म मरने भी दो यारों। तो इट्स अ फुल सर्कल। तो जैसे वो पिक्चर एक कल्ट फिल्म बनी थी, मुझे लगता है कि ये फिल्म भी ऐसे ही एक कल्ट फिल्म बनेगी। थैंक यू। So of course Krishna and Kashmira, I call her Kashu, they are very dear to us and we are not expecting anything less at all because they are both so hilarious even in person. So we've got a little sneak peek being so close to them, of course we had that privilege to see it, but it's awesome and I'm so proud of her with every poster launch and with everything that she comes up with. She's truly a power lady and I'm wishing her all the very best. And of course Krishna ke liye to jitna bole kam hai because he is a bundle of energy that can never be matched, from his dancing to his comedy timing to everything that he does. And Cash has already proven herself with even the mark of going to Cannes and winning her, yes, you know, making that mark in, yes, her life. And of course I think you all can look forward to a great entertaining movie that's going to come up.
Yes. बिल्कुल नहीं. I don't think so. She's not that easy. And they've not come to this position in life, Riayat Bharatkar, because obviously you have to give it your best. And I think both Kashmira and Krishna are completely dedicated with their work. And now that they are, this is their baby project. So बिल्कुल भी they, I'm sure they've not left any stone unturned. I think हम जिस industry में हैं, चाहे हम हो आप हो. कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे चले जाते. यू हैव टू गिव इट योर 100%, इवन इफ योर शॉट इज़ नॉट ओके, यू विल टेक इट अगेन. सो व्हेन यू मेकिंग सच अ थिंग, यू कैन नॉट गो रॉन्ग. आपको चाहे रीटेक 10 बार करने पड़े, चाहे वो एक्टर भी कर रहा है, सब लोग वो मेहनत करते हैं टू गिव दैट फाइनल गुड प्रोडक्ट दैट पीपल कैन सी. या Kashmira is totally like a funny bone in person as well, as I'm sure she's added all her humor squeeze karke is movie mein. So I think Farah has that tinge of humor in her movies, and so does Zoya, but I think more close to maybe Farah. But I think she's going to be out and out hilarious and humorous. Karan, iske alawa Bigg Boss 13 aane wala hai, I hope aapne promo dekha hoga. Kya kehna chahenge is saal ka jo वेल ऑफकोर्स बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसके लिए सब लोग बहुत इंतजार करते हैं, एंड थिंग्स आर लुकिंग डिफरेंट ऑल्सो हियर अगेन. सो आई वुड जस्ट लाइक टू विश द टीम ऑल द बेस्ट, एंड आई होप द व्यूअर्स गेट अनदर एक्साइटिंग एंड मसालेदार सीजन टू वॉच. हालांकि सब लोग कहते हैं अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन सबको देखना भी वही है. सो एन्जॉय इट. ऑल द बेस्ट. Oh. Well, I didn't know about that. Aarti. Yes, Aarti. Yeah. Okay. So, all the best to Aarti. Well, हम लोग गए हैं तो कुछ अगर हमसे टिप्स लेनी है तो ले लेना. शायद हमारी वाली ना वर्क करें, बट स्टिल वी कैन कैरी. हम मतलब करण और गौरव. हाँ, because गौरव is here. So, I think अगर मिल जाएगी या कुछ बात होती है तो जरूर हम लोग. But Aarti is a sweet girl. I'm sure she will do well, and we want to wish her the best. Thank you, sweet girl. So I'm worried. So that's why she can take tips from us. Stay worried only inside. Or maybe we can look forward to seeing her salty side. Yeah. You know? Yeah, you never know. Never know. Thank you. Kashmira has been a very close friend, very old friend. और जब आपका कोई अपनी मेहनत से बहुत वक्त सपना लेकर उसे बनाता है तो आप उस प्रोसेस का हिस्सा होते हैं. आप सालों सुनते हैं उसके बारे में, आप जब भी मिलते हैं तो आप उसका अपडेट लेते हैं, आपको हमेशा पता होता है. तो मेरे सामने ये पूरा प्रोसेस यहाँ तक पहुँचा है. सो ऑफ कोर्स मैं सपोर्ट करने के लिए, उन्हें इनकरेज करने के लिए यहाँ पर. बहुत सारी हंसने की एक्सपेक्टेशन है मेरी, बहुत सारे एंटरटेनमेंट की एक्सपेक्टेशन है, बहुत सारे मज़े की एक्सपेक्टेशन है. सबको ज़रूरत है ऐसे एंटरटेनमेंट की, ऐसे मज़े की. और आई थिंक कृष्णा से बेहतर कौन हो सकता है उसे उसका पोस्टर बनने के लिए कि आप आइए सिनेमा हॉल में फिल्म देखने और हम आपको एंटरटेन करेंगे. सो आई थिंक वो गारंटी तो आपको यहाँ मिल रही है. एंड आई एम श्योर हस्बैंड वाइफ ने मिलकर अच्छी खिचड़ी पकाई होगी. सर कृष्णा की बात कर रहे हैं, यू नो वी हैव सिक्स मंथ्स कैरेक्टर को प्ले करते हैं वो हमेशा से यूनिक रहता है. आई मीन ऑफकोर्स जो शोज होते हैं उसमें तो अलग होता है, बट व्हेन इट कम्स टू फिल्म वो कम्प्लीटली डिफरेंट एक अवतार में नजर आते हैं. सर आर यू अ फैन ऑफ कृष्णा अभिषेक कॉमेडी बैक वे? नो ऑफ कोर्स, यू नो हम एज फेलो एक्टर्स एंड एज फ्रेंड्स एज कॉलीग्स एक दूसरे के टैलेंट को सिर्फ यू नो आपने देखा होता है, बट खुशी होती है दिल से जब हम में से कोई उठकर यू नो अच्छा बड़ा काम करता है, उसको सराहना मिलती है. कृष्णा हैज ऑलवेज बीन वेरी वेरी टैलेंटेड, एंड आई थिंक वो जितनी वैरायटी उनमें है इस फिल्म में उस वैरायटी को दिखाने का पूरा मौका है, क्योंकि वो बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करेंगे, बहुत सारे गेटअप्स में देखेंगे, एंड होम प्रोडक्शन का पूरा फायदा उठाया जाएगा और टैलेंट को शोकेस किया जाएगा. That's very smart of you. It's actually a very glorified guest appearance. Goldie Behl, who's the producer and the creative head of the show, called me. Or Rose Movies और Goldie के साथ पहले बहुत अच्छा काम कर चुके थे. Novaneel Chakrabarty की novels हैं called The Stranger Books. उसके ऊपर based है. It's a thriller. It's quite sexual.
And this is probably the boldest role I've ever done. My character has shades of the 50 shades that you know. My character is the only character jo book mein nahi hai. So apart from all the characters that are there in the book, this character is not there in the book. So it's the surprise element in the show. It's a guest appearance, but it's quite exciting. Yeah, how's the experience? There's too many people talking. It gets very difficult to... you'll have to get them to keep quiet. Silent, man. Shh. Aise to shot. So how's the overall experience going on with Charu? Oh, the experience was fabulous. Like I said, Goldie called me and that was by itself, you know, a great advantage to be a part of something that you... when you've collaborated well with somebody, it's always nice to work again. And he was so excited about this character, Aditya Grover, that I play. Because, like I said, ye book ka hissa nahi hai. Toh jisne bhi wo thriller, suspense book padhi hai, usko is character ke baare mein nahi maalum. And so it's like the tadka in the story. It's like the added flavor in the story. I'm quite excited because, like I said, this is the boldest that I've ever done. And let's see what happens. Thank you. मैं फिल्म देख चुकी हूँ. हमारा एक ट्रायल हुआ था फैमिली का, तो मैं फिल्म देख चुकी हूँ, तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती हूँ. पर मुझे लगता है कैश का ये फर्स्ट डायरेक्टोरियल वेंचर है एंड मुझे उसे अपनी सारी बेस्ट विशेस देनी है. उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया. येस बॉस, जंगल, एक उन्होंने बहुत अच्छी मराठी फिल्म भी की थी. शी इज़ अ वेरी सीनियर आर्टिस्ट एंड आई वॉन्ट टू गिव हर ऑल माई बेस्ट विशेज एंड आई हैव सीन द फिल्म एंड आई एम होपिंग टू हैव lots of fun. I hope everyone laughs a lot in the film because that's the intent of the film and Krishna's work all his life has been laughter. Rishabh, oh yes, Rishabh ka debut hai and he's a very sincere boy. I remember jab wo shoot kar raha tha, usne kuch 2 mahine tak salt bhi nahi khaya, which I think is unreal because it's amazing level of dedication. I want to wish him very well for his upcoming future and I hope he gets a lot of good work. Thank you. मैं ये कास्टिंग नहीं भी करती तो मैं जहन में रहता हूँ. घर में रहते हैं. घर में रहते हैं, दिल में रहते हैं, जहन में तो रहते ही है. और जो रोल इनके लिए लिखा है, इनको ध्यान में रखे ही लिखा है. मैं आपको ये डेफिनेट प्रॉमिस कर सकती हूँ कि जिस तरह से कृष्णा इस फिल्म में दिखाई देंगे आपको, ऐसा किसी ने इसको प्रेजेंट किया भी नहीं होगा. क्योंकि आई लव हिम एंड आई शोड द मैन दैट आई लव ऑन स्क्रीन. सो ताली मार रहे हैं लोग वहाँ. आपका क्या रिएक्शन था लीड करना है और खुद वो कर रही है? प्रेशर था? हाँ, डेफिनेटली प्रेशर था. थोड़ी टेंशन हो रही थी क्योंकि पैसा खुद ही को लगाना था. अभी तो क्या, आप लोग आते हैं तो हमारी बहुत सारी फिल्में आती रहती हैं, तो तब टेंशन नहीं रहती, मैं बहुत फ्री रहता हूँ. हाँ ठीक है, चलो देखेंगे क्या होगा. चलो देखा होता है, एक फिल्म के लिए हर आदमी मेहनत करता है. वो कहते हैं ना, बहुत साल पहले सिनेमा ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, तो आज मैं एक छोटा सा खुद एक सिनेमा लेकर आ रहा हूँ, तो बड़ी टेंशन होती है. इतनी कॉमेडी करते हैं हम लोग. टचवुड, एक अच्छी बात है कि जितने सालों से कॉमेडी कर रहे हैं वो लकीली बहुत सक्सेसफुल रही है. हमारे शो सारे सक्सेसफुल रहे हैं. अभी भी जो कपिल शर्मा शो हम कर रहे हैं, हम लोग सब पूरी टीम साथ में आ गई हैं. इट्स अ नंबर वन शो अगर आप बोलो तो. हिंदू हमारी जो TRPs हैं, हम लोग टचवुड आप लोगों की वजह से हर दूसरे तीसरे वीक हमारे सेट पर केक काटते हैं कि हमारी 4 के ऊपर TRP आई है, जो कि आज की डेट में बहुत बड़ी बात है. तो ऐसे वक्त में जब आप एक फिल्म लेकर आते हो तो थोड़ी सी टेंशन होती है कि लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्या होगा. और हाँ, टेंशन तो बड़ी हुई थी. लेकिन इस फिल्म ने मुझे लिखना सिखा दिया. मैं हमेशा बहुत लोगों को कहता हूँ कि जब ये फिल्म बनी तो मैंने लिखना सीख लिया, क्योंकि मैंने बहुत सारे चेक लिखे हैं. क्योंकि कैश
को नहीं लिख सकता था ना। कितना अपने आप को लकी मानते हैं अ फिल्म दैट टू विद समबडी यू नो जिनकी लोग दुनिया तारीफ करती है जब काम के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी तारीफ की। जो आपने बात कृष्णा से भैया के लिए बोली है एक्चुअली मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आपको। कृष्णा भैया, कैश, इन दोनों का एक्सपीरियंस 10-15 साल का है, प्लस कंसिस्टेंटली दे आर वर्किंग एंड वट एवर दे आर डूइंग दे आर द बेस्ट। भैया हो गया, टाइमिंग हो गई इनकी, कैश इनका, मतलब इनसे मैंने सीखा है, मैंने एक्टिंग सीखी इनसे। कश्मीरा ने मेरे को कि आज की डेट में ओवर एक्टिंग वो सब जमाना खत्म हो चुका है कि अब सेटल का जमाना आ गया, तो मुझे बहुत कुछ बताया कि नहीं कि ये करना है, मेरी बेसिक्स इन्होंने बहुत क्लियर किए। कृष्णा भैया के साथ मैं कम से कम 250 स्क्रिप्ट में बैठ चुका हूँ क्योंकि वो लगातार शोज करते हैं, इनका कॉमेडी सर्कस, ड्रामा कंपनी, उसके बाद कपिल शर्मा शो, तो मैं हर स्क्रिप्ट में इनके साथ बैठता ही हूँ, तो उनकी टाइमिंग मेरे को देखने से एक तरह से मेरी प्रैक्टिकली मेरे इंटर्नशिप चल रही थी, तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बट कैश, जब कृष्णा अभिषेक की बात करते हैं, यू नो जो कॉमेडी शोज होते हैं और इस तरह के जो शोज होते हैं उसमें एक अलग उनका फेस नजर आता है, बट व्हेन यू सी फिल्म्स लाइक एंटरटेनमेंट हो या फिर बोल बच्चन, तो उसमें एक अलग उनका, आई मीन you can connect to it, right? Correct. इसमें आपने क्या दिखाने की कोशिश की, you know, taking some elements from the shows as well as the movies which he has already done. See, Krishna is eternally funny. You know, इनको देखकर एक चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, यू नो लोग हंसते हैं, उनके सारे एपिसोड्स याद आते हैं, तो अभी 10-12 साल से लगातार टेलीविजन पे कॉमेडी करते आए, लेकिन मैंने कृष्णा का वो रूप देखा है जो आप लोगों ने में से किसी ने नहीं देखा होगा, जो उनका एक इमोशनल साइड है। बेसिकली कृष्णा इज अ ब्रिलियंट एक्टर, तो टू बी अ गुड कॉमेडियन यू हैव टू बी अ ब्रिलियंट एक्टर ऑल्सो, लेकिन उनका जो इमोशनल साइड है थोड़ा यू नो रोमांटिक साइड नहीं दिखाया मैंने जानबूझ के लेकिन उनके सारे कुछ ऐसे भी पहलू है एज एन एक्टर जो हमने अभी तक फिल्मों में देखे नहीं, वो मैंने इस फिल्म में दिखाए। लेकिन एक चीज तो है कि मैं बहुत स्टाइलिश लगा हूँ, आप देखेंगे मैं इस फिल्म में नहीं वहाँ सपना बना देते ना मेरे को मैं सपना बनता हूँ, अभी अभी अलग अलग कैरेक्टर्स करने लगे हम लोग सब लोग। मजा तो आता है मुझे, बहुत डेफिनेटली मजा आता है, पैसे बहुत मिलते और मैं खर्चा कर लेती लेकिन इसमें आप देखेंगे मेरा इंट्रोडक्शन देखेंगे, ऐसा इंट्रोडक्शन मैंने आज तक जो भी छोटी फिल्में की हूँ, मैंने कई छोटी फिल्में भी की, बड़ी फिल्में भी की हैं, बड़ी फिल्में भी, लेकिन मुझे ऐसा इंट्रोडक्शन आज तक किसी ने भी नहीं दिया जो मैं इस फिल्म में, मेरा आप गाना देखेंगे जो हम अभी धीरे धीरे गाना लॉन्च कर रहे हैं, अभी आज तो प्रोमो लॉन्च है हम लोगों का, मैं ऐसा कभी नहीं लगाऊँ, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बेटर ही लगाऊँ, अगर मैं अपने आप को 40% मानता हूँ तो मैं शायद इसमें 80% लगाऊँ फिल्म। बजट नहीं था, प्रोड्यूसर बहुत स्ट्रिक्ट था इसलिए मैंने एक ही टेक दी नहीं नहीं, ये शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, ये मुझे इन्होंने एक्चुअल डायरेक्ट किया है। मैं एक ऐसा एक्टर हूँ कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मुझे कोई डायरेक्ट करने वाला मिले, जैसे हम शोज भी करते हैं, रोहित सर भी मुझे बोलते थे कि कृष्णा इस लाइन को ऐसे बोलना है, इसको ऐसे कर, थोड़ा उस तरीके से कर, तो कश्मीरा ने मुझे उस तरीके से डायरेक्ट किया, शी इज टू स्टॉप मी कि नहीं इसमें तू ओवर कर रहा है, गाने में ना इतने ओवर एक्सप्रेशन मत दे, है ना, तो थोड़ा सबड्यूड हो जा, तो मुझे काफ़ी कंट्रोल करती थी, मुझे कंट्रोल करने वाला कोई चाहिए, तो शी हैज कंट्रोल्ड मी। एक प्रैक्टिस है ना 13 साल से। हाँ हाँ, अभी जा रहे हैं हम लोग 4-5 दिन बाद, सबसे अच्छी बात है, कपिल इज सो स्वीट, क्या बोलते हैं, मैं तो ये तो मेरा आई थिंक कुछ चौथा इंटीग्रेशन होगा कपिल के शो में, मतलब मैं खुद भी शो में हूँ, मैं सनी लियोनी के साथ मेरे गाना लॉन्च हुआ था लवली एक्सीडेंट, तो उसकी भी मैंने इंटीग्रेशन किया था, फिर एकता कपूर के साथ और तुषार के साथ में गया था जब हमारी वेब सीरीज आई थी बू ऑल्ट बालाजी के लिए, तो हम साथ में इंटीग्रेशन के लिए गए थे, तो अभी ये भी इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, थैंक्स टू हिम। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड, यू नो क्योंकि परिवार की फिल्म है, आशी आफ्टर लॉन्ग गैप, इतने वक्त के बाद मैंने उनको देखा और भी किनको किनको कीर्ति जी की बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ, जो आए अंदर, ओके, सॉरी, फैमिली का बहुत मजबूत हिस्सा है आपकी गोविंदा जी, वो क्यों मौजूद नहीं है? ऑन अ वेरी पॉजिटिव, व्हाई ही इज नॉट हियर? ऑन अ पॉजिटिव नोट के बस नहीं आए वो, नहीं आए नहीं, ही लव्स मी वेरी मच, वो हमें बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे करियर का सवाल रहा है, हम लोगों ने खुद ही मेहनत की है अपना नाम बनाने के लिए,
नहीं तो वो अगर मेरे लिए कोई फिल्म प्रोड्यूस पहले कर देते तो शायद मैं तब से फिल्में कर रहा होता, है ना? बट सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ. आई हैव नेवर सीन कृष्णा भैया इतने हार्ड वर्किंग पर्सन है. ये कोई भी आप स्क्रिप्ट देखते हैं कैसे वर्क होता है, वो तीन तीन चार चार घंटे खुद मेहनत करते हैं, सेल्फ स्टैंड पर्सन है, किसी का कोई रूल नहीं. ये खुद अपने आप वो ठीक है, उनका गुड लक जो भी मेरे साथ होगा. आई हैव सीन इट, आई नो ही विल बी हैप्पी वॉचिंग अस के हम कर रहे हैं ये. लेकिन हमने कोई सपोर्ट नहीं लिया उनसे किसी भी चीज का. भाई के साथ हमने आरती और मैंने डांस किया और मैंने उसको घर में भेजा. बड़ी नर्वस हो गई थी वो, तो शी वॉज वेरी वेरी नर्वस. हाँ बहुत घबरा गई थी. लेकिन अभी वो क्या होता है, स्टेज पे सब घबराते हैं, फिर अंदर जाने का सब फूटने लगते हैं एक एक हफ्ते दस दस दिन बाद, तो वो भी फूटेगी मुझे पता है. कुछ टिप्स वगैरह देखे आपको मैंने भेजे उनको, आज आप एपिसोड में देखना. मैंने सलमान भाई ने, दोनों ने उसको काफ़ी टिप्स दिए हैं. भाई ने भी उसको बहुत समझाया. मैंने जाते जाते सलमान भाई को ये भी बोला कि इसकी पूरी क्लास लेना और इसको सबसे ज़्यादा डांटना, क्योंकि अभी भाई तो हमारे प्रोड्यूसर भी हैं, है ना, और हमें प्यार भी बहुत करते हैं, वी लव हिम. मुझे सलमान सर का बहुत सपोर्ट रहा है, अगर मैं कहना चाहूँ तो. जब हमने हमारे शोज़ भी शुरू किए, कॉमेडी नाइट्स बचाओ रोज फॉर्मेट था, कोई एक्टर आने को तैयार नहीं था हमारे शो पे. मैं आपको बताऊँ, हमारी शूटिंग्स कैंसिल भी हुई थी. सलमान खान इज़ द फर्स्ट हीरो टू कम ऑन द शो. उन्होंने कहा नहीं मैं आऊँगा, मैं तुम लोगों को सपोर्ट करता हूँ. तो आई थिंक मेरे जब बेबीज भी हुए थे तो मैं सलमान भाई के घर पे पार्टी पे, हम मैं और कश्मीरा थे, तो उन्होंने ही हमें कन्विंस किया था कि नो यू शुड हैव बेबीज, यू शुड प्लान अ फैमिली, तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं. माय फादर वाज वेरी अनवेल, माय फादर हैड कैंसर. मुझे सामने से फ़ोन आया था सलमान भाई के टीम का कि उन्होंने किसी डॉक्टर को बोला हुआ है, किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होगी. तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उनसे पता नहीं हार्ट का मेरा कनेक्शन है. और जितने बड़े वो सुपरस्टार हैं उनका हार्ट उतना ही, उससे भी बड़ा सुपरस्टार है. मतलब ही, आई रियली लव हिम, ही इज अ ट्रू सुपरस्टार. ही इज अ ट्रू सुपरस्टार. अगर ट्रू सुपरस्टार हमारी इंडस्ट्री में, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई है तो सलमान खान. सलमान खान कश्मीर में, एक सवाल मेरा आपसे है, डायरेक्शन एक अलग चीज है और डायरेक्टिंग को इससे बैठकर फिल्म बनाना एक अलग चीज है. कितनी डिफिकल्टीज शायद आई होगी आपको और उसे किस तरह से आप लोगों ने मिलकर पार्टियां बनाए? देखिए, फिल्म बनाने से ज्यादा डिफिकल्ट है एक लाइफ साथ में बनाना. तो कृष्णा और मैं जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो साथ में ही सॉल्व करते हैं. हमारे कभी झगड़े ऐसे हुए नहीं है, या झगड़े हुए तो हमने खुद आराम से सॉल्व किए, लाइक अ गुड हैप्पी कपल. अब मैं डायरेक्टर हूँ, वो प्रोड्यूसर है, तो हमने वही फॉर्मेट इधर भी यूज़ किया. ऑब्वियसली ये एक करियर चेंज है मेरे लिए. ऑफकोर्स आई विल नेवर स्टॉप बींग एन एक्टर, वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर. लेकिन मैंने बहुत ही दिग्गज लोगों से सीखा है, बहुत ही बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जिन्होंने मुझे सिर्फ कैमरा के आगे नहीं रखा, बहुत कुछ सीखा है. चाहे वो राम गोपाल वर्मा हो, महेश मांजरेकर जी हो, अजीज़ मिर्जा साहब हो, इन सब से. तो मेरा ये छोटा सा ट्रिब्यूट उनके लिए कि मैं सिर्फ एक्ट नहीं कर रही थी, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से देख रही थी और सीख रही थी. तो वी सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइफ की तरह. लाइफ में डायरेक्शन चाहिए और फिल्म में एक डायरेक्टर चाहिए. बट आई रियली वांट टू से वन थिंग के कश्मीरा ने मुझे जब ये लोकेशन देकर आई थी, हमने फिल्म को यूरोप में शूट किया, ये लोकेशंस देकर आई, मैंने इनसे सिर्फ थोड़ा बहुत पूछा था फिल्म के बारे में इनिशियली व्हेन शी वांटेड टू स्टार्ट अ फिल्म. जब इन्होंने मुझे सब्जेक्ट सुनाया तो आई वॉज रियली सो हैप्पी कि इतना बढ़िया सब्जेक्ट है. तो डेफिनेटली मैं अपने पैसे नहीं लगा था, है ना. प्रोड्यूसर बनना कोई आजकल बड़ी टेंशन का काम हो गया भाई, कहाँ पिक्चर बेचो, ये करो, वो बहुत टेंशन हो जाती. बट आई न्यू दैट जब इसने मुझे पूरा नरेशन दिया, मैंने बोला नहीं कैश, दिस इज रियली परफेक्टली फाइन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आई थिंक वी शुड मेक दिस फिल्म. एंड ऋषभ इसीलिए नहीं कि मेरा भाई है या मैं इसे प्यार करता हूँ तो हमने इसको लॉन्च कर दिया. होता है ना, घर का बच्चे को लॉन्च कर दो. तो मैं बहुत बिजनेस माइंडेड हूँ, बहुत ज़्यादा. मैं ऐसे लॉन्च करके अपने पैसे बर्बाद नहीं करने वाला. तो मुझे पता था कि कहीं ना कहीं इज़ अ वेरी गुड एक्टर, इज़ डन अ वंडरफुल जॉब और बहुत नेचुरल काम किया. ऐसा लगता नहीं कि इसकी पहली फिल्म. तो मैंने इसके रशेज क्या बोलते हैं, इसके रफ वो नहीं होता, रफ कट, छोटे कैमरे से शूट करते हैं, क्या बोलते हैं, रिहर्सल्स टाइप. तो वो इसने इससे करवाया था जो मैंने पहले देखे थे. और मैंने बोला नहीं यार ये अच्छा काम कर रहा है, वी शुड कास्ट हिम ओनली. और उसके बाद फिर ये प्लान बना फिल्म का.
मैंने इसमें अलग अलग किरदार निभाए. सबसे अच्छी बात मेरा मेरे साथ अलग अलग किरदार है. मैं इसमें 80 साल का बुढ़ा बना हूँ, 50 साल का बुढ़ा बना हूँ. मेरा जो हिट कैरेक्टर है सपना, वो भी है के अंदर आपको मिलेगी. तो ऐसे कई अलग अलग कैरेक्टर हैं जो मैं निभा रहा हूँ और मैं सूत्रधार हूँ फिल्म का. मैं फिल्म का स्क्रीन प्ले जो आगे बढ़ा रहा हूँ वक्त. आई थिंक अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा. अभी आप लोग जब प्रोमो देखेंगे, अभी आप लोग खुद प्रोमो देख के बताइएगा कि आप लोगों को उसके बाद भी एक इंटरव्यू लेंगे. हां उसके बाद फिर इंटरव्यू करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. यस थैंक यू थैंक यू. मरने भी तो यारो. सो मैं कृष्णा हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे. मैंने बहुत काम किया उनके साथ. कॉमेडी सर्कस में उनके साथ काम किया था. एज अ जज मैं वहाँ था. फिर मैंने उनके साथ क्या कूले हम 3 की है. और मैंने उनके साथ अभी रिसेंटली बू सबकी फटेगी भी की थी. सो ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन. और कश्मीरा इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस फिल्म. शी इज़ डायरेक्टिंग दिस फिल्म. सो इनके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. आई जस्ट केम टू विश देम एंड टू बी अ पार्ट ऑफ द लॉन्च ऑफ द ट्रेलर टुनाइट. सो बहुत अच्छी लग रही है फिल्म. मैंने ट्रेलर देखा है और कृष्णा इतने टैलेंटेड है. आई थिंक स्टोरी कैसी भी हो, कृष्णा को देखने आई थिंक लोग ज़रूर आएंगे. अगर वह ऐसे पागलपन करता रहेगा फिल्म में, अगर ऐसे सीन्स होंगे जहाँ मतलब उनके टैलेंट की मतलब अहमियत हो, तो आई एम श्योर द फिल्म इज़ अ बिग सक्सेस. मैंने पहले कहा कि टू डायरेक्ट अ फिल्म इज़ अ डिफिकल्ट जॉब. उसने तो एक्टिंग भी की है एंड शी इज़ ऑलवेज बीन अ फाइटर. मैं उसे रियली नारी शक्ति की एक मिसाल के तौर पे कहना चाहूँगा. एंड बहुत ही मैं मुतासर हुआ हूँ उस लड़की से ऑल द टाइम इन माई लाइफ. शी इज़ अ फाइटर. जितना गिरी उतना उठी है लाइफ में. एंड गॉड ब्लेस सर. गॉड ब्लेस कृष्णा टू. I think first photos मैंने अभी ट्रेलर देखा हम सब ने देखा है. एंड आई हैव टू से कि बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है. आई थिंक एज अ डेब्यू इट इज माइंड ब्लोइंग. जो सिनेमाटोग्राफी है, जो डायरेक्शन लग रहा है और जो परफॉर्मेंसेज. एंड अहमद ने अंदर बोला है कि इट्स डिफिकल्ट. डायरेक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है लेकिन कश्मीरा हैज़ एक्टेड एंड डायरेक्टेड. सो क्यूडोज टू हर. एंड कृष्णा ऑफकोर्स. कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो कृष्णा नहीं कर सकता. और इसमें इसने 7 कैरेक्टर्स किए हैं. सो माइंड ब्लोइंग. मैं सिर्फ 3 शब्द बोलूंगा इसके लिए. सुपर सुपर सुपर. बहुत बहुत बढ़िया था. और जिसमें इतना फन लग रहा है मुझे कि दिस इज द फिल्म दैट आई रियली वांट टू वॉच. सो ऑल द बेस्ट एंड आई होप दिस बिकम्स अ ह्यूज सक्सेस. थैंक यू. जी नहीं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि कश्मीरा ने डायरेक्ट किया है और कृष्णा है इसमें, ऋषभ है. और बड़ी बात यह है कि जैसे आप लोग सरप्राइज होते हो देख के हर बार. हम लोग इतने सालों से जानते हैं, मैं कृष्णा को इतने सालों से जानता हूँ, लेकिन ये हर हफ्ते हमें भी सरप्राइज करते रहते हैं कुछ ना कुछ नया करके. सो एक आर्टिस्ट जो है उसके अंदर बहुत कुछ होता है. और बड़ी बात यह है कृष्णा में जो एक अच्छी बात है, ये हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं, सीखते रहते हैं. सो वो अभी इस ट्रेलर में जो देख के बड़ी सारी चीज़ें मुझे कृष्णा की, वो जो इंटेंस लुक मैंने देखी. सो आई एम श्योर कि फिल्म देखने के बाद और बड़ी सारी चीज़ें जो हैं, हिडन टैलेंट है कृष्णा का, वो सामने आएगा. सो ढेर सारी दुआएं हैं दोनों के लिए. अरे शो तो घर का ही है कभी भी. I'm very emotional, so मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी. No, it's a great support. अपने सब लोग अपने साथ हैं तो अच्छा लगता है. कपिल has always been a support. और support शुरू से किया है. मैं I think हम अपने शो में हमारा कोई तीसरा इंटीग्रेशन होगा. अरे किको आ गया. एक ना पॉजिटिविटी जुड़ी है, सब लोग साथ में जुड़े हैं. इट्स सच अ पॉजिटिव एनर्जी ऑन द सेट. सो इट्स ऑलवेज वी लव वर्किंग. वी लुक फॉरवर्ड कि हमारा अगला शूट कब है. वी ऑल लुक फॉरवर्ड. इट्स सो मच फन. ओके कपिल, आखिरी सवाल आपसे. अनगिनत लोग स्टेज पे मौजूद थे, प्रशांत कुमार हैं और अहमद साहब हैं. एक बेहतर
इंसान ज्यादा बोलते हैं वनस्पति से बेहतर एक्टर। सॉरी मैं बेहतर इंसान ज्यादा पहचान है कृष्णा की बेहतर एक्टर के मुकाबले। अच्छा देखिए, अगर कोई बेहतर इंसान नहीं होगा वो बेहतर कलाकार हो ही नहीं सकता, बिकॉज सब एक कलाकार के अंदर इमोशनल होना कलाकार का बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हम लोग एंड ऑफ द डे, मैं यही कहूँगा कि शायद हम लोग इमोशंस ही अपना बेचते हैं पर्दे पे भी, और वैसे भी जो लोगों को हंसाता है उसके साथ करोड़ों लोगों की दुआएं हैं। सो कृष्णा दिल का बुरा हो ही नहीं सकता, सो हमेशा से दिल से दुआएं निकलते हैं इनके लिए, और आज भी यही निकल रही हैं ट्रेलर देख के कि जो पब्लिक है इनकी फिल्म को खूब सारा प्यार दे और करोड़ों रुपया कमाए ताकि और अच्छी अच्छी फिल्में बनाए। लेकिन कपिल भाई, आप शो में तो हैं ही कृष्णा आपके साथ, यू नो, लेकिन आप खुद फिल्म प्रोड्यूस भी कर चुके हैं, कुछ टिप्पणियों के लिए शो में लिए थे। हाँ, टेल हिम नॉट टू बी कंजूस। नहीं देखो देखो अपना अपना होता है इसमें, कोई देखिए वो अपने आप आदमी सीख जाता है जब प्रोड्यूस करता है। आई एम श्योर कृष्णा ने भी काफी सारी चीजें सीख गया होगा, पर बड़ी बात ये अच्छी है कि डायरेक्टर जो है इनकी वाइफ है, तो वाइफ वैसे संभाल के चलती है, तो है ना, इनकी जो होम मिनिस्ट्री है वही फाइनेंस मिनिस्ट्री देख रही है, सो इससे बेटर की चीज हो ही नहीं सकती। बड़ा अच्छा रहा, मैं फर्स्ट टाइम मिला प्रियंका चोपड़ा से बहुत अच्छा रहा। हाँ जी, बस ऐसी ऑफर देती, शादी तो निक जोनस के साथ पर नहीं, प्रियंका जब भी आती है बड़ी जिंदा दिल पर्सनैलिटी है प्रियंका, और बड़ा मजा आता है हमेशा। और कृष्णा ने तो इस बार आप देखना एपिसोड इसने क्या किया है तो फिर आपको पता चलेगा, हमेशा नई नई चीजें टच उड, आप लोग सब इतना प्यार करते हो, बस करते रहिए और इंजॉय करते रहिए। मतलब आप टीम देख लो, ये टीम है, कश्मीरा ने डायरेक्ट किए और ये है प्रोड्यूसर, ये तो आपको तो खैर इमेजिन कीजिए, ये आदमी इतना क्रिएटिव है। मैं अपने काफ़ी वक्त से हम इनके साथ काम कर रहा हूँ और इज़ अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट, तो टैलेंट तो इतना भरा पड़ा है कि अब फैल रहा है, फिल्म बनी है और भी बहुत सारी बनेंगी, तो आप एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म आपको देखने को मिलेगी। आई एम सॉरी मैं ज़रा लेट आया हूँ, तो ट्रेलर मैंने अभी देखा नहीं है, पर मैं जितना भी मुझे पता है और जो कुछ मैं देख चुका हूँ और कृष्णा जो कुछ मुझे बता चुके हैं, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ वेरी 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 एंटरटेनिंग फिल्म। अच्छा, कपिल शर्मा के शो में तो हम इन्हें एक ही अवतार में देखते हैं, इसमें 7-8 सप्ताह है इन्होंने। हाँ हाँ, तो क्या लगता है कि उस तरह का जब कैरेक्टर कैरेक्टर प्ले करता है, यू नो, इस हिसाब से रिस्पॉन्स? ये तो मेरे ख्याल से अभी आपने कपिल शर्मा के शो में एक अवतार देखा है, बाकी भाई आप अगर इनका पहले का काम अगर देख चुके हैं, बहुत सारे अवतार में ये दिखाई दे चुके हैं और इनका हर अवतार उतना ही बड़ा हिट होता है, तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर अभी हमारे ऑलमोस्ट कितने 80-100 एपिसोड की तरफ आ गए और आपने एक अवतार देखा है, तो शो तो अभी चल रहा है, और भी इनके अवतार आएंगे और आप देखते जाएंगे, एंड इज एंटरटेनिंग इन ईच एंड एवरी अवतार। यार गुड लुकिंग बॉय आप देख सकते हैं यार, सो या आई हैव आल्सो नोन ऋषभ फॉर अ व्हाइल और बहुत ही प्रॉमिसिंग पर्सनैलिटी है और आई एम श्योर फिल्म में भी एक्सेल करेंगे और ये जो टीम है पूरी की पूरी, साथ में गलत हो ही नहीं सकती। तो आप बहुत अच्छा है, प्रॉप्स बेटर है, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है और सलमान खान प्रोड्यूसर है ना, आई थिंक दैट्स व्हाई द प्रोडक्शन वैल्यू इज वेरी वेरी गुड। आई एम सपोर्ट कर रहे हैं आप द कबीर सिंह जोड़ी। हां, आई थिंक युविका और प्रिंस और युविका मुझे अच्छे लगते हैं। हां, वो भी अच्छे है ना, सभी दोस्त। हां नहीं, लेकिन मैं भी, हां, मधुरिमा और व्हाट्स दैट बॉयज नेम, अंकित है, विशाल, 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 या या, इवन आई एम सपोर्टिंग देम, मधुरिमा दैट इज अ फ्रेंड आल्सो, और बाकी शो सच में एज शी सेइंग ना जेन्युइनली बहुत बड़ा और बड़े स्केल पे, हां अच्छा दिख रहा है। देखो जी, बीवी हर किसी की डायरेक्टर ही होती है और जो हस्बैंड होता है वो एक्टर होता है, आप किसी भी घर में देख सकते हैं। सो यहाँ मैंने पिक्चर देखी, पिक्चर का सॉरी ट्रेलर देखा, कमाल का, कमाल का ट्रेलर काटा है इन्होंने और कमाल की पिक्चर लग रही है जिस हिसाब से इन्होंने फिल्म बनाई है। आई होप कि बहुत ही अच्छी फिल्म होगी क्योंकि कृष्णा तो एक बहुत ही अच्छा एक्टर है, ये सभी को पता है, लेकिन कश्मीरा एक इतनी अच्छी डायरेक्टर हो सकती है ये शायद अभी किसी को नहीं पता था। सो द वे शी एग्जीक्यूटेड द थिंग्स, जिस तरह से इनकी शॉट टेकिंग है, मतलब जितना जितना मैंने देखा है वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा है और आई विश
कि ये फिल्म बहुत ही सुपर हिट हो और बहुत ज़्यादा बिजनेस करे। वो तो घर की बात है जी, वो तो करना ही पड़ेगा। सो हम वेट कर रहे हैं कि ये हमारे घर की पिक्चर है, ये जल्दी से जल्दी हमारे शो पे आएँ ताकि हम इनके साथ भी मजाक और मस्ती कर सकें।